इट इज अ फनी गेम, कुछ भी हो सकता है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मैचेस है, तो मैं तो सुबह सुबह उठ चुका हूँ। क्या आप लोग उठे हो? उठे नहीं तो उठ जाओ जल्दी से। तो वीडियो का स्टार्ट यहाँ पर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। क्या मैच हो गया साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड। और लिटरली सच बोलूं, मुझे खुद नहीं उम्मीद थी यार। मैं मतलब कि बंदा झूठ बोलने पे है वो ठीक है, लेकिन जेन्युइन बात है, मुझे इसमें मैच उम्मीद तो नहीं थी। मुझे थी हल्की फुल्की, कहीं दूर जाके मुझे थी कि यार शायद इंडिया वाले मैच में कुछ हल्का फुल्का कुछ चांस निकल आए। इस मैच में तो मैं था भी भजन, पूरे एनालिसिस करने वाले एक्सपर्ट सब कह रहे थे कि शायद साउथ अफ्रीका ये वाला वर्ल्ड कप ही जीत जाए, लेकिन साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। और क्या मैच हो गया नेदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। ऑल सेट फॉर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को चाहिए कूल रहे, काम रहे, इंशाल्लाह अपना अच्छा मैच खेले और इंशाल्लाह सीधा सेमीफाइनल। इसके लिए यार लिटरली अल्लाह सुबहाना ताला प्लान समथिंग। अल्लाह अकबर। लुक एट द वेदर आउटसाइड भजन, कल बहुत ठंडा मौसम था लेकिन आज अल्लाह का शुक्र हल्की हल्की फील हो रही है। धूप सुबह सुबह निकलनी शुरू हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की बांग्लादेश की इनिंग्स खत्म हो चुकी हैं। और क्या बॉलिंग किया पाकिस्तान ने यार। स्टार्ट में बांग्लादेश का इंटेंट नजर आ रहा था, क्योंकि पता चला कि मैं देख रहा था पॉइंट टेबल, तो ये एज ए क्वार्टर फाइनल हो रहा है पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश। जो जीती वो टीम सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन इंटेंट तो दिखाया बांग्लादेश ने, लेकिन ऑल ऑफ द सडन जहाँ पे हमें विकेट चाहिए थी शदाब आके विकेट्स ले दी। एज यूजुअल हमारा ईगल आशहीन शाह बैक इन द फॉर्म एंड ही गेट्स हिज करियर बेस्ट फिगर इन दिस मैच। सो अमेजिंग, चार विकेट शहीन शाह ने ले ली और लड़कों ने जान लगानी शुरू कर दी। शुरू में हल्का फुल्का नजर आ रहा था, क्या कर रहे हैं, फंबल कर रहे हैं, फील्डिंग से कैच दाब से छूटा, फिर शहीन शाह से छूटा, एक रन आउट मिस हो गया, लेकिन नहीं भाई, उसके बाद किल कर दिया। अब 128 का टारगेट मिल दिया। कूल काम, पहले कहा था अभी भी कहूँगा कूल काम रहो, इंशाल्लाह प्लान हुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। लेकिन ये नहीं पता, दूसरी तरफ भी भजन बंगाली हैं, तो शाकिबुल हसन का रन आउट कोई डिबेटेबल था, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल देख लो, आई थिंक सो सारे सो रहे हैं, मूसा को पता ही नहीं है। अहमद कर तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँगा, नेदरलैंड का भी देखूंगा, आई डोंट थिंक सो, शायद अहमद उठा हो, लेकिन मूसा तो सो रहा है, तो जब भी उठेंगे ना खुशखबरी सुनाएंगे। 35 पर 5 पाकिस्तान का पावर प्ले बिल्कुल एंड हो चुका है। और पॉजिटिव ये है कि मैंने अभी तक विकेट नहीं गवाई। हाँ, स्ट्रगलिंग आहिस्ता रिजवान का कैच ड्रॉप हो गया अर्ली, दूसरी बॉल पर ही कैच ड्रॉप हो गया, दूसरी तीसरी गालिबन बॉल थी, तो बस विकेट पे नहीं जाना, इजी सुकून से खेलते जाओ, आराम से खेलते रहो, स्लोली एंड ग्रेजुअली विन की तरफ जाओ। अनडस्टेड, वी आर इनटू सेमीफाइनल्स। ऑल दोस पीपल जो कह रहे थे कि हम जरा आके कमेंट करेंगे संडे को पता चल जाएगा कौन सी टीम जा रही है, तो I'm going to tell you brothers and sisters, we are in the semi-finals and हमें कोई नहीं, अब मैं literally I'm telling you कि जहां से हम आ गए हैं ना और जहां पर हम चले गए हैं, अब पाकिस्तान टीम को पकड़ना शहीनशाह क्या कह रहा था मैन ऑफ द मैच के अवार्ड में, नासिर हुसैन था, पता नहीं कौन था, टेनी मोर्सन था, कहता यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सेमीफाइनल, बट शहीन सेड दैट नो वी आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड सेमीज, वी आर लुकिंग फॉर फाइनल्स एंड दे आर लुकिंग फॉर फाइनल्स। और अपनी गली में जो समा होगा इस वक्त किसी को भी नहीं पता, क्योंकि सारे अभी मूसा भी निकला हुआ था मैं जब हम मैच जीते हैं। एब्सोल्युटली अमेजिंग सेंसेशनल स्टफ फ्रॉम टीम पाकिस्तान। और सिर्फ पाकिस्तान टीम ने कुछ नहीं किया, दुआओं का नतीजा हुआ है। जो तहज्जुद लोगों ने पढ़ दी है ना ऊपर, वो साउथ अफ्रीका तहज्जुद का प्रेशर ही नहीं एब्जॉर्ब कर पाई। और यस, वी हैव डन इट, नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर जस्ट टेकिंग द ट्रॉफी इन आवर हैंड्स एंड वी आर अमेजिंग यार, कमाल मजा आ गया। दुआएं किस्मत हमारे जब साथ होती है ना, कहाँ से किसी को उम्मीद ही नहीं थी। मैं लिटरली मैंने पहले बता दिया मुझे नहीं उम्मीद थी यार हम जीतेंगे, लेकिन कहाँ से हम आ गए और कहाँ पे पहुंच गए। यस वी हैव डन इट यार, कोई खुशी हुई है कि नहीं हुई, कैसे सेमीफाइनल में चले गए पता ही नहीं चला भाई, ये किसी को नहीं पता चल रहा, ये मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ दुआओं का नतीजा। ये क्या हुआ है यार, यकीन आ रहा है, क्या हो रहा है यार, नहीं यकीन नहीं आ रही। हम तो मैच जीते जीते, लेकिन साउथ अफ्रीका मैच, ये क्या हुआ है यार, ये से बता दो। ये बहुत गुड सीन हुआ है, गुड, हाँ ये तो बात सही है, वैसे अगला दिन का बहुत गुड हमारे हक में बहुत गुड हो गया। खुश हो गए नहीं, खुश हो, अब इंशाल्लाह क्या उठाना है वर्ल्ड कप। मेरिकल बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, आपके एक हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल मेरिकल, लेकिन इस मौके पे मुझे लिटरली वो कुरान पाक की आयत याद आ रही है, वल्लाहु खैरु माकिरीन, वल्लाहु अल्लाह सुभान व तआला इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। सब क्या सोच के बैठे हुए थे, लेकिन अल्लाह सुभान व तआला हैव प्लान्ड दिस एंड
यकीन आ रहा है यार, लिटरली यार, वी आर इनटू सेमीज, वी आर इनटू सेमी फाइनल एंड वी आर नॉट जस्ट इनटू सेमीज, वी आर इंशाल्लाह इनटू फाइनल्स एंड वी गोना लिफ्ट द कप इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बट ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह सुभान व तआला की मर्जी चाहिए और कप उठाने से मैं कोई नहीं रोक सकता। बस दुआएं चाहिए आप सभी की, जैसे पहले की हैं वैसे ही कर रहो। सेमीफाइनल इंशाल्लाह हमारा वेडनेसडे को होने लगा है न्यूजीलैंड के साथ 1 बजे। तैयार रहो, मजे का व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, दुआएं सारी चाहिए, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा, पिछला ट्राई सीरीज का फाइनल न्यूजीलैंड से हम जीते हुए हैं, तो हमारे दिमाग में वो होगा, न्यूजीलैंड के दिमाग में होगा ट्राई सीरीज का फाइनल, पूरी स्ट्रेंथ के साथ न्यूजीलैंड खेली थी, नो डाउट कि फर्गसन नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह बॉयज जिस रिदम में आ चुके हैं ना, इधर से पीछे नहीं देखेंगे बॉयज इंशाल्लाह। बाहर भी भाईजान कॉन्वर्सेशन का टॉपिक एक ही है, खुशियां एक ही है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। ओ भाई ये क्या हुआ, बस ये यार तू खुशी नहीं हो रहा, यकीन है अब्दुल्ला की नहीं, ओ तेरी इसे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यकीन नहीं आ रहा। अहमद भाई तूने मैच देखा कि नहीं देखा? मैं पांव में उठा, झूठ नहीं बोल, कितने बजे उठा था, कितने बजे उठा था ना, कर झूठ झूठ सही बता, कितने क्या क्या देखा तूने फिर? जो भी हो जाए लेकिन पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाना मुश्किल ही नामुमकिन हो गया था यार, लेकिन जब एक मिनट जब नेदरलैंड जीती उसके बाद तेरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान भाई फिर भी बांग्लादेश मुझे हल्की फुल्की फिर भी और पाकिस्तान जो भाईजान अचानक जो फंस गया था मैच में वो नहीं देखा तूने? आहो चलो ठीक है, अब यार थोड़ा सा कोई और तो है नहीं, हम तीनों ही खेल लेते हैं, अब्दुल्ला मैं और यहाँ पे इस तरह लगा के थोड़ी बड़ी देर हो गया, संडे का दिन है, मूसा निकला हुआ, मूसा से मिलवाना था यार, मूसा वीडियो नहीं ऑन की, भाई मूसा किधर गया हुआ तुझे पता है? जू गया हुआ, पता नहीं बच्चों के साथ जू निकला हुआ बच्चा बन के, प्ले बॉल है मत चल मार, ओए कैच छूट गया यार, कैच नहीं हुआ, शिट यार गुगली नहीं भाई, ऑफ स्पिन कर रहे हो, शाबाश 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 अहमद यार, एक बात को छोटी जगह पे खेलने का अपना मजा आता है, ओए फील्डिंग भी करनी पड़ती है भाई, अपना मजा तो आता है फील्डिंग भी करनी, इधर से अहमद क्रीज से बाहर, इधर से शाबाश शाबाश जी शाबाश शाबाश, छोटी जगह पे खेलने का मजा है वैसे यार, वीडियो भी बनानी है ना, मसला ये है कोई, मैं देख रहा हूँ इधर देखते फोन रख के आता है इधर, चलो भाईजान बड़ी मुश्किल से मैंने एंगल सेट किया है, मुझे नहीं पता कैसे हम आ रहे हैं, आ भी रहे हैं सही के नहीं आ रहे, मीटर पड़ा हुआ था उसके ऊपर मैंने फोन रख दिया है, चल अहमद शाबाश शाबाश जल्दी कर, अब्दुल्ला का उठ कर, मगरिब ऐसे भी होने वाली है, ओ तेरी खैर मैं दिखाता हूँ मैंने रखा कितना मोबाइल, ये देखो इस मीटर के ऊपर रखा हुआ है, अब पता नहीं हम आ भी रहे हैं सही के नहीं आ रहे, जो भी है यही एंगल हमें मिला है यही कर सकते थे, पॉसिबल एंगल चौका अब्दुल्ला ने मार दिया, दे दे मुझे बोलिंग सुनी होनी, जल्दी कर जल्दी कर, उगनी मास्टर अहमद दूसरी बॉल चौका क्या कोई अखीर फोल्ड हो गया, क्या कोई अखीर मजा आ गया, अहमद को कितने पे आउट किया, कितने 46 के 44 46 पे अहमद को मैंने 50 नहीं करने दी, अहमद ऑब्वियसली मैच तो जीत गया था, लेकिन मैं तुझे एक चीज दिखाऊं जो मेरे एकदम से नजर पड़ी है, ये देखो नीचे अब्दुल्ला साहब यहाँ पे फील्डिंग करते हैं, थूके फेंकी फेंकी जा रहे हैं, मैं बोल देते नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज पढ़ के फिर खेलेंगे, चल एक बॉल बस कर दे अब्दुल्ला, बस कर दे, तुझसे नहीं खेली जानी अहमद की बॉल, अच्छा है भैया तो मैच हो गया हमारा फिनिश, मगरिब के जाने भी हो गया, देरा नजर आ रहा है, क्या खुशी वर्ल्ड पे दोबारा से एक दफा खुशी दिखा दे पाकिस्तान की जीतने की, वाह 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 कमाल हो गया, अब जल्दी से जा रहे हैं नमाज अदा करते हैं और इंशाल्लाह नमाज अदा करने के बाद फिर आपको मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर लिया, तो आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे, वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, वेट नहीं हो रहा ट्रॉफी को, ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोलना हम लोगों ने,
बस दुआएं जारी रखो।